नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर सरनवाल। विस्फोटक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। विस्फोटक न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार, विस्फोटक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अध्यक्ष अमित शाह लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। पीएम मोदी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मुलाकात का एक फोटो कैप्शन के साथ उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, आदरणीय आडवाणी जी से आज मिला। बीजेपी को आज जो सफलता मिली है वो उन जैसे नेताओं की देन है जिन्होंने दशकों की मेहनत के बाद पार्टी को बनाया और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया है। भारी बहुमत से जीतने के बाद आज पीएम मोदी और अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मिले। मुरली मनोहर ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए उन्हें गले लगाया। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फोटो शेयर किया। उन्होंने लिखा, विद्वान और बुद्धिजीवी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का भारतीय शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में योगदान असाधारण है। जोशी जी हमेशा से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने का काम किया है और मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं के वो गुरु हैं। लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तीन बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि काम करते करते गलती हो सकती है, लेकिन कोई भी काम बदनीयत से नहीं करूंगा। मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। मेरे समय का पल पल, मेरे शरीर का कण कण सिर्फ देशवासियों के लिए है। जनता जब भी मेरा मूल्यांकन करे, इन तीन तराजुओं पर मुझे कोसते रहना। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने अकेले दम पर 300 का आंकड़ा पार कर लिया है। एनडीए 350 के आंकड़े के पास है, तो वहीं कांग्रेस फिर 50 तक भी नहीं पहुंच सकी। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने इसके लिए कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है, जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत होगी। कैबिनेट बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति मोदी और उनकी पार्टी को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी 30 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से सांसद चुने गए हैं। जीत के बाद उन्होंने ट्वीट कर काशी का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि काशी के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो कठिन परिश्रम किया है, इसके लिए उन सबका आभार। लोकसभा में एक बार फिर काशी का प्रतिनिधित्व करने को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। काशी के विकास के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी ने सपा बसपा गठबंधन की शालिनी यादव को 4,78,690 वोटों से हराया है। मोदी को 6,74,664 वोट मिले हैं, जबकि शालिनी को महज 1,94,763 वोट ही मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से चौकीदार शब्द हटा दिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बारे में कहा, मेरे ट्विटर से चौकीदार शब्द हट रहा है, किंतु ये मेरा अभिन्न अंग रहेगा। आप सभी से यही करने का अनुरोध करता हूँ। जिसके बाद पार्टी के लगभग सभी नेताओं ने भी ट्विटर पर अपने नाम के आगे से चौकीदार शब्द को हटा दिया। उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 55,120 वोटों से जीत हासिल की। अपनी जीत पर उन्होंने अमेठी की जनता का आभार व्यक्त किया है। आज सुबह उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, एक नई सुबह अमेठी के लिए, एक नया संकल्प। धन्यवाद अमेठी, शत शत नमन। आपने विकास पर विश्वास जताया, कमल का फूल खिलाया, अमेठी का आभार। आपको बता दें, स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने आज इस्तीफे की पेशकश की है। राज बब्बर ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना इस्तीफा भेजा है। आपको बता दें, बीजेपी को यूपी में 80 में से 62 सीटें मिली हैं, बसपा को 10, सपा को 5, अपना दल सोनेलाल को 2 और कांग्रेस ने 1 सीट हासिल की है। कांग्रेस की ये सीट भी रायबरेली से सोनिया गांधी ने जीती है। कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ने पीएम मोदी के खिलाफ जरूरत से ज्यादा नकारात्मक पब्लिसिटी को हार की वजह बताया है।
उन्होंने कहा कांग्रेस आम लोगों के मुद्दों को उठाने में नाकाम रही। लोगों ने चौकीदार चोर है के नारे को स्वीकार नहीं किया। मोदी के खिलाफ जरूरत से ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी को लोगों ने खारिज कर दिया, इसलिए ये वजह भी कांग्रेस की पार्टी की हार की बड़ी वजह है। पंजाब की जालंधर सीट का एक अजीब सा मामला सामने आया है। यहाँ एक निर्दलीय उम्मीदवार को नतीजों से गहरा धक्का लगा। निर्दलीय प्रत्याशी नीतू शटरनवाला के घर में 9 सदस्य हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ 5 ही वोट मिले, यानी परिवार के सदस्यों ने भी उनके पक्ष में वोटिंग नहीं की। चुनाव परिणाम आने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगे। उम्मीदवार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी हार से ज्यादा पारिवारिक मतभेद से दुखी होने की बात की। इसके बाद वो कैमरे के सामने ही रो पड़े। 2019 के चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वो अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है। जहां इस जीत से पूरा हिंदुस्तान खुश है, वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिमों को पत्र लिखकर चिंता जाहिर की है। पत्र में वली रहमानी ने लिखा, आने वाले समय में हालात तशवीशनाक रुख इख्तियार कर सकते हैं। ऐसे में सबकी जिम्मेदारी है कोई मायूस ना हो, मुसलमान अपने अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करे। हमारे बड़े बुजुर्गों ने मुल्क में रहने का जो फैसला किया था वो सोच समझकर किया था। इससे पहले भी मुसलमानों के लिए बहुत सख्त हालात गुजरे हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। लोकसभा चुनाव में ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर संबित पात्रा को हार मिली है। उन्हें बीजू जनता दल के प्रत्याशी पिनाकी मिश्र ने 11,714 वोटों से हरा दिया। पिनाकी को 47.4% वोट मिले हैं, वहीं संबित को 46.37% वोट मिले हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इनकम टैक्स की छापेमारी भी शुरू हो गई है। कल रात मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के करीबी राजेंद्र मिगलानी के यहाँ इनकम टैक्स ने रेड मारी। विभाग ने कनॉट प्लेस में राजेंद्र के लॉकर्स पर रेड किए। इसमें बेशकीमती गहने और काफी कैश बरामद हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कल भारत को कश्मीर की संवैधानिक स्थिति को बदलने के खिलाफ आगाह किया है। पाक के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैजल ने कहा कि सैद्धांतिक रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में जनमत संग्रह होने तक जम्मू और कश्मीर की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो सकता। दरअसल भाजपा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने का संकल्प लिया था। अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर राज्य को स्वायत्तता प्रदान करता है। आज फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी आखिरकार रिलीज हो गई। पहला शो देखने के बाद क्या क्रिटिक्स और क्या आम जनता सभी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। ट्विटर पर इस फिल्म को लेकर मजेदार रिएक्शंस भी आ रहे हैं। अनुज बोस ने लिखा, #PM नरेंद्र मोदी फिल्म देख रहा हूँ। विवेक ओब्रॉय ने इस फिल्म में शानदार काम किया है, ये एक मस्ट वॉच फिल्म है। वहीं फिल्म क्रिटिक गिरीश जौहर ने लिखा, साधारण और मजबूत। ये फिल्म देखकर मोदी जी के फैंस का 56 इंच सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। कुछ दर्शकों ने इसे पैसा वसूल बताया, वहीं कुछ ने कहा बहुत सालों बाद एक ऐसी चीज आई है जिसकी हमारे देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। विस्फोटक न्यूज में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। Thank you.